दोस्तों, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उनमें इस प्रकार से आग लगा दो, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। चाहे HDFC बैंक का हो, चाहे आपका ICICI बैंक का हो, या फिर आपका SBI बैंक का हो। जैसे आप देख सकते हो, ये सारे कार्ड मेरे पास हैं और सभी क्रेडिट कार्ड हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे क्रेडिट कार्ड हैं। ये आपका इंडसइंड बैंक का है, ये SBI कार्ड का है, ये HDFC बैंक का है। लेकिन ये सभी कार्ड बेकार है, इनको हमें नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं दे रहे, ये कार्ड आपको बर्बाद कर रहे हैं। आप देख रहे हो, मैं आपके सामने ये कार्ड जला रहा हूं, ये देखिए देखिए, क्योंकि ये कार्ड बेकार है, आग लगा दो ऐसे कार्डों में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में ये कार्ड बेकार है तो हम क्या करें, क्रेडिट कार्ड चलाना बंद कर दें? बिल्कुल, आप अगर ये कार्ड चला रहे हो तो इनको चलाने से अच्छा इस प्रकार कचरे में फेंक दो, ये कोई मतलब के नहीं रह गए। अगर आप सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, पर ऐसे रद्दी क्रेडिट कार्ड जो वीजा कार्ड है या मास्टर कार्ड है, ये बकवास है, इन्हें हमें नहीं चलाना चाहिए। भाई, हम इनका प्रयोग कब कर सकते हैं? हम किसी होटल में जा रहे हैं तब हम उनसे खाना ले सकते हैं, यही तो है, वहां पर हम पे कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या कोई बड़ी शॉपिंग कर रहे हैं तब हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें ऐसे क्रेडिट कार्ड नहीं रखने चाहिए जो हमें बंधिश में रखे। अगर हमें रखना है ना, तो हमें इस प्रकार के कार्ड रखने चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे हाथ में ये है रुपे क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, अगर रुपे क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप 100% फायदे में हो। इससे आप चाहो तो 5 रुपए 10 रुपए की भी शॉपिंग कर सकते हो, कुछ भी खरीद रहे हो इससे आप शॉपिंग कर सकते हो। और जो बाकी कार्ड है, जैसे कि अभी आपने देखा मैंने कार्ड जलाए, ये कार्ड बेकार है, इनको अगर आप ले रहे हैं ना तो बिल्कुल मत लेना। क्रेडिट कार्ड अगर आपको बनवाना है तो भूल कर भी मास्टर और वीजा कार्ड नहीं बनवाना है, आपको बनवाना है रुपे क्रेडिट कार्ड। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, ये रुपे क्रेडिट कार्ड है। तो इस प्रकार से अगर आप रुपे क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो समझिए आपको हर जगह मदद मिलने वाली है, हर जगह फायदे मिलने वाले हैं। वैसे तो आज के समय में सभी बैंकें रुपे क्रेडिट कार्ड जारी करने लगी है, लेकिन कुछ बैंक अभी भी वीजा या मास्टर कार्ड जारी कर रहे हैं, तो आपको इनसे बचाव करना है। अगर आपके पास कोई भी वीजा कार्ड है, कोई भी मास्टर कार्ड है, तुरंत आग लगा दो, फेंक दो कचड़े के ढेर में, कोई मतलब के नहीं है। भाई, जब मुझे क्रेडिट कार्ड दिया गया है और मैं उसका उपयोग ही ना कर सकूं तो किस बात का वो क्रेडिट कार्ड? इसलिए अगर आपको क्रेडिट कार्ड बनवाना है तो हमेशा रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करो, क्योंकि रुपे क्रेडिट कार्ड में आपको बहुत फायदे मिलते हैं जो दूसरे क्रेडिट कार्ड में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलते। जी हाँ दोस्तों, रुपे क्रेडिट कार्ड से सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप अगर मार्केट में जा रहे हो, अगर आपने सब्जी खरीदी, उसके पास QR कोड है, तो उस QR कोड को आप स्कैन करके 5, 10, 20, 50, 100 रुपए भी डाल सकते हो, भेज सकते हो। जबकि मास्टर कार्ड अगर आपके पास है या वीजा कार्ड है, तो ये कार्ड केवल आपको ऑनलाइन शॉपिंग में मदद करेंगे, या फिर आप कहीं किसी होटल में मेडिकल स्टोर पे दवा लेने के लिए जा रहे हो, अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो लेगा, वरना बहुत सारी जगहों पर, मैं भी एक बार मेडिकल स्टोर पे गया था और मैंने वहां पर दवा खरीदी 5,000 रुपए की। 5,000 रुपए की दवा खरीदने के बाद जब मैंने उसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने को बोला तो उसने बोला 2% का चार्ज आपसे एक्स्ट्रा लगेगा। अब समझिए, मैं जो बिल दे रहा हूं उस पर 2% और एक्स्ट्रा उसको दूं। मैंने पूछा ऐसा क्यों, क्योंकि ये बैंक हमसे 2% चार्ज लेती है। उसने बोला वो मुझे चाहिए, तो फिर मुझे डेबिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ा। तो क्या फायदा है इस प्रकार से वीजा या मास्टर कार्ड प्रयोग करने से? अगर फायदा है तो सिर्फ आपको रुपे कार्ड लेना चाहिए। रुपे कार्ड से सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप इसे अपने UPI की तरह प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि अभी आप UPI करते हो, किसी को पैसे भेजते हो, है ना, तो क्या करते हो, किसी का कोड स्कैन करते हो, किसी भी दुकान पे जा रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, तो उसका कोड स्कैन करो और कोड स्कैन करने के बाद पैसे चले जाएंगे उसके पास, 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, हर जगह इसको प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोग अगर प्रयोग करना चाहते हैं तो आपका रुपे क्रेडिट कार्ड। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास भूल के भी कोई मास्टर कार्ड है या वीजा कार्ड है, फेंक दो, इसको जला दो, कोई मतलब की नहीं है, क्योंकि हम केवल ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। क्या जरूरी है कि हम रोज ऑनलाइन शॉपिंग करें? लेकिन अगर कार्ड आपके पास है रुपे कार्ड, तो आप प्रतिदिन शॉपिंग करेंगे। भाई, मार्केट में जा रहे हो, कुछ ना कुछ तो प्रतिदिन खरीदते ही हो। बैंक खाते से जैसे डेबिट होता है, उसी प्रकार इससे डेबिट होता रहेगा। इसमें आपको कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे, कुछ कैशबैक मिलेगा, जबकि आपको जब ऑनलाइन पेमेंट करते हो कोई कैशबैक मिलता है, कोई रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं? नहीं मिलते ना। लेकिन रुपे कार्ड से अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट, कुछ ना कुछ वापसी मिलता रहेगा। तो इसलिए एक बार कोशिश कीजिए, अगर कार्ड बनवाना है तो आप
आईसीआईसी बैंक का, एचडीएफसी बैंक का या एसबीआई बैंक का, जो भी बैंक आपको पसंद है उसका क्रेडिट कार्ड बनवाइए, लेकिन अप्लाई कीजिए केवल रुपे क्रेडिट कार्ड। अगर वो दूसरा कोई कार्ड आपको दे रहे हैं, बोले भाई मास्टर कार्ड ले लो, वीजा कार्ड ले लो, साफ मना कर दो भाई मुझे नहीं चाहिए। और आपने अगर बनवा रखा है भाई, ऐसा तो है नहीं कि आपने पहली बार क्रेडिट कार्ड के बारे में जान रहे हैं, पहले भी आपने अप्लाई किया होगा। आप अगर आपको बैंक ने रुपे कार्ड की जगह मास्टर या वीजा कार्ड दे दिया है तो उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर दो, जला दो और अपना अकाउंट क्लोज कर दो। बैंक जब कॉल करे बोले भाई आप क्यों बंद कर रहे हो, तो उसको बोलो कि भाई मैं केवल रुपे क्रेडिट कार्ड चाहता हूं, अगर आपकी बैंक मुझे रुपे क्रेडिट कार्ड देने को तैयार है तो मैं आपसे क्रेडिट कार्ड लेने को तैयार हूं, वरना मैं नहीं लूंगा। तो ये आपको फायदा मिलने वाला है अगर आप रुपे क्रेडिट कार्ड प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों रुपे क्रेडिट कार्ड से एक बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। मैंने जब ये आईसीआईसी बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाया था तो इसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं मिले थे, लेकिन जब मैंने ये कार्ड बनवाया तो मुझे इसकी लिमिट मात्र मालूम कितनी दी गई, 1,10,000 रुपए। लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा प्रयोग किया, ज्यादा प्रयोग नहीं किया, मतलब कि कोई 10,000, 20,000, 50,000 के पेमेंट नहीं किए, मैंने केवल 100 रुपए, 150 रुपए तक के पेमेंट किए महीने में 5 से 6, 2-3 महीने किए। इसके बाद इसकी लिमिट उन्होंने 2,20,000 कर दी। और उसके बाद जब मैंने फिर रेगुलर रूप से इसके पेमेंट करता रहा, बस वही महीने का ज्यादा ज्यादा 2,500 से 3,000 रुपए मैंने पेमेंट किया, ज्यादा नहीं किया, कहीं 50 का पेमेंट कर दिया, कहीं 200 का कर दिया, कहीं 300, कहीं 250, है ना, कहीं कहीं मैंने 700 रुपए तक का पेमेंट किया। तो इस प्रकार से जब पेमेंट किया तो अगले महीने यानी कि 2 से 3 महीने बाद फिर इसकी लिमिट बढ़ गई, अब इसकी लिमिट 3,20,000 कर दी गई है। जो कार्ड हमें इतनी कम लिमिट का मिला था वो बढ़ गया। तो हमें रुपे क्रेडिट कार्ड में ये भी फायदा देखने को मिल रहा है कि भाई छोटे छोटे पेमेंट करके भी यहां पर अपने कार्ड की लिमिट बढ़ा सकते हैं, जबकि हमें दूसरे जो कार्ड मिलते हैं उनमें क्या होता है, हमें बड़े ही पेमेंट करने पड़ती है। भाई बड़े पेमेंट का मतलब क्या हो गया कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अमेजोन पे कोई मोबाइल खरीद रहे हैं, फ्रिज खरीद रहे हैं, वॉशिंग मशीन खरीद, कुछ भी खरीद रहे, तो वहां से क्या होता है हम ऑनलाइन ही पेमेंट कर आते हैं और उसमें भी बहुत सारी तकलीफें होती है दोस्तों। तो ये आपको बहुत जरूरी है अगर आप एक क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, आपने बनवा लिया है तो उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर दो, नए कार्ड के लिए अप्लाई करो, वो भी रुपे क्रेडिट कार्ड, आपको ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं दोस्तों। इस प्रकार से अगर आप रुपे क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करोगे तो आपको आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ेगा, इसकी लिमिट भी बढ़ेगी और भी बहुत सारे फायदे देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड उपयोग करता है या फिर क्रेडिट कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो भूलकर भी वीजा और मास्टर कार्ड आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ बनवाना है तो रुपे क्रेडिट कार्ड। ये हमारे भारत के द्वारा बनाया गया रुपे कार्ड है और इसका प्रयोग अगर हम लोग ही नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए अगर आप भारत के रहने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आप कुछ अच्छा करें तो रुपे कार्ड के अलावा कोई दूसरा कार्ड प्रयोग ना करें, रुपे कार्ड ही बनवाएं। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी है जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आपने कभी भी कोई दूसरा कार्ड अप्लाई कर दिया है गलती से और वो आपके पास आ गया है तो उसको आप क्लोज करवाइए और एक नया कार्ड रुपे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए। दोस्तों ये किसी प्रकार का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए है कि अगर आप रुपे कार्ड लेते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके और क्या क्या फायदे हैं कमेंट कीजिए, हम स्पेशल एक वीडियो बनाकर देंगे कि रुपे क्रेडिट कार्ड से आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।